इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां सोना हाथू प्रखंड तेलवाड़ी पंचायत के डोमादी और बॉन्डी में जंगली हाथी का लगातार प्रकोप देखते हुए वन विभाग दिलीप सिंह मुंडा, तेलवाड़ी मुखिया प्रतिनिधि फनी भूषण सिंह मुंडा और सोना हाथू उप प्रमुख प्रतिनिधि निशिकांत गोजू के नेतृत्व में पुराना वन रक्षक टीम को स्थगित करते हुए नया टीम को शीघ्र तैयार किया गया, जिसमें आगे किसी भी किसान का जंगली हाथी द्वारा क्षति न हो। सर, आज डोमाडी गाँव में इतना बड़ा जनसलाब उमड़ा हुआ है और बैठक किया गया, किस विषय में बैठक किया गया? आज डोमाडी ग्राम में वन सुरक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले भी इस गांव में समिति था, लेकिन ये समिति निष्क्रिय हो गया था, सक्रिय नहीं था। आज हम लोग तमाम गाँव वालों ने मिलकर एक नया कमेटी का गठन किया है, पुनर्गठन किए हैं, जिसमें हमारे जगह पर हमेशा हाथी आते रहते हैं, ताकि सब समिति मिलकर हमारे गांव के तमाम खेती बाड़ी जो होता है किसान लोगों के लिए, उस सुरक्षा के लिए समिति का गठन किया गया। अब समिति जोश और होश के साथ अब हमें उतरेंगे। क्या लग रहा है आपको कि अभी जो नया टीम गठित किया गया वो अपना कार्य सही से करेंगे, क्योंकि बीते दिन से लगातार सुनने के लिए मिलता है कि जो भी सदस्य चुना जाता है वो पब्लिक के लिए काम नहीं करता, खुद के लिए काम करता है। जो भी उनको कार्य दिया जाता है, जो भी वहाँ से लाभ दिया जाता है, वो अपना कार्य में उपयोग करता है। क्या ऐसा नहीं होगा? नहीं, और दोबारा ऐसा होगा नहीं, ताकि जनताओं में उमंग है, जोश है। पुराना कमेटी तत्काल जो अध्यक्ष था उसको निष्क्रिय किया गया और नया कमेटी चयन किया गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फनी भूषण सिंह मुंडा, ग्राम पंचायत तलवाड़ी के मुखिया प्रतिनिधि हूँ मैं। आज की बैठक जो डोमाडी में आप रखे हैं, ये किस मुद्दे पे बैठक थी और इस कार्यक्रम में कौन कौन थे, क्या क्या हुआ, इस बारे में विशेष जानकारी दीजिए। आज हम लोग डोमाडी ग्राम में वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और 15 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव के लिए बैठक किए हैं। इसमें अध्यक्ष सर्वसम्मति से ग्रामीणों के नीलकमल महतो को चुना गया है, उपाध्यक्ष निरंजन महतो एवं सचिव निरंजन महतो एवं 15 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव किया गया है। ये आज चुनाव करने का आपका खास मकसद किस लिए आपको जरूरत पड़ा कि आज इस गांव में वन रक्षक समिति चुनने का क्या जरूरत पड़ा? यहाँ पहले से भी मतलब ये समिति का गठन किया गया था, लेकिन सही ढंग से निष्पक्ष पारदर्शिता ढंग से काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए नया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव किया गया। सर, ग्रामीण की तरफ से भी सुनने को मिलता है, लगातार सूचना आती है कि जो पुराना वन रक्षक था वो ग्रामीण को कभी सहयोग भी नहीं करते हैं और ना ही कोई कार्य के लिए उनको बुलाने से पास भी नहीं होते हैं। जो भी उन गाँव वालों का जवाब देते हैं कि जो भी है अब डायरेक्ट जाकर फॉरेस्टर या वन विभाग से बात कीजिए, हमसे मत बात कीजिए, इसलिए इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पहले का तो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम भी नए आए हैं, इसीलिए अब पहले ऐसा नहीं होगा, अब जो भी काम होगा तो ग्रामीणों के बीच ही होगा। क्या चुनाव के बाद तो पुराना जो थे उनको निस्थगित कर दिया जाएगा? हाँ, मतलब हर साल, हर दो साल में मतलब चुनाव होता ही है, और हर दो साल में ग्रामीणों के सर्वसम्मति से मतलब चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए मतलब हर दो साल में नया अध्यक्ष चुनाता ही है। सुनने को ये भी मिल रहा है कि जो भी कार्य के लिए फंड वगैरह आता है वो भी अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहले का मैटर है, पहले उस समय नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार भी पैसा का निकासी नहीं किया गया है। जो होगा वो ग्रामीण के सर्वसम्मति से ही होगा, मीटिंग होके ही होगा, रजिस्टर मेंटेन करके ही होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलीप मुंडा। और क्या है आप? प्रभारी वनपाल, ये तमाड़।